हरियाणा में चुनावी पारा हाई पर है, इसी को लेकर राजनेताओं में भी सियासी बयानबाजी जोरों पर है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान सिंह ने गृह मंत्री अनिल विज पर जुबानी हमला बोला, क्या कुछ कहा आप खुद ही सुन लीजिए। ऐसा है कि अनिल विज को बहुत बड़ी पीड़ा है, शुरू से उनको बड़ा दर्द था कि भाई वो 5 बार के MLA, अब तो छठी बार हैं, और मनोहर लाल खट्टर जी को कोई हरियाणा में जानता नहीं था। जब अनिल विज सोचे बैठे थे कि भाई जो ना मेरा नंबर आएगा मुख्यमंत्री बनने का, और उनको बड़ी मायूसी लगी जब वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को बना दिया, इनके ऊपर थोप दिया गया। बहुत दिन तक ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए, अनाप शनाप उनके खिलाफ भी बयानबाजी देते रहे, मुख्यमंत्री को भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। अभी भी वो एक तरह से उनका दिमाग का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आगे चुनाव में कराना चाहिए, जैसे अपने दिमाग का वो अपना इलाज सही ढंग से करा सके। तो वही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी काफी मजबूत है और चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएंगे। कई सालों से जो पुराना जो रुका हुआ है उसमें थोड़ा समय लग रहा है। जहाँ तक आप संगठन की बात करो, पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस बहुत मजबूत है, बगैर संगठन के थोड़ी इतनी बड़ी जो हमारी लाखों आदमी की जो रैलियां हो रही हैं, तो बगैर संगठन के थोड़ी हो रही हैं। हर गांव-गांव में हमने जो संगठन है हमारा, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत घर घर में पहुंच गया है हमारा, पूरी तरह से जो जमीन पर संगठन पूरी तरह से काम मजबूती के साथ कर रहा है। उसी का परिणाम है कि दूसरी पार्टियों से छोड़ छोड़ के हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 33 पूर्व विधायक पूर्व मंत्रियों का आना, जो बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे बीजेपी के जेजेपी के जो जिला अध्यक्ष और जो प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, वो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। सत्ता को कौन छोड़ना चाहता है, तो जब वो सत्ता को छोड़ करके हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, तो इस बात का संकेत है कि कांग्रेस की जबरदस्त हवा पूरे प्रदेश के अंदर है, और प्रदेश में से भाजपा जा रही है, कांग्रेस भारी बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस अपने संगठन के गठन को लेकर जहां तेजी से काम कर रही है, वहीं बीजेपी भी कोई मौका नहीं खोना चाहती जिससे उसका वोट बैंक लूज हो सके। वार पलटवार का सिलसिला भी लगातार जारी है। अब घड़ी की सुई ही फैसला करेगी कि आखिर कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। कुरुक्षेत्र से सूर्य समाचार के लिए अशोक यादव की रिपोर्ट।